यहाँ पर मिजरत जो आज सर्दी भी ज़्यादा है उसकी वजह से थोड़ा हमको ये प्रोग्राम थोड़ा वो कम जगह पे मतलब एक महदूद जगह पे हमको करना पड़ा, नहीं तो हम इसको अच्छी तरह से लास्ट ईयर की तरह हमें इसको मनाना था। लेकिन इसको मनाना जो है हमारे लिए फ़ख्र की बात है, ऐसे शख्सियत के इस दिन को मनाने के लिए हमें फ़ख्र महसूस होना चाहिए, क्योंकि जिस आदमी ने जिस शख्सियत ने खुसूसन करगिल के लिए जो काम किया है वो मेरे ख्याल से आइंदा आने वाले कोई और लोग नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है हम भी करगिल में ही रहा है, अभी भी हमारा 40-50 साल से उम्र से ज़्यादा हो रहा है, इसी 50 साल के अंदर जो है हम भी बहुत सारे पार्टियों के साथ हम लोग साथ देते आए हैं, तो उन्होंने हमको क्या दिया है वो सबको वाजह तौर पर सबको मालूम है। इसमें हम कोई झूठ या कोई रेप या कोई दूसरा बात बोलने की गुंजाइश भी नहीं है, और बोल के कोई ऐसा बोल के लोगों को लुभाने की ज़रूरत भी नहीं है, लोग खुद समझते हैं और लोग खुद जानते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ। सबसे पहले करगिल में क्या किया, इस शख्सियत ने हमारे लिए क्या किया, उसका जीता जागता सबूत जो मैं खुद यहाँ खड़ा हूँ। आज तमाम जम्मू कश्मीर के MLA सब चले गए, तमाम मिनिस्टर ख़त्म हो गए, चीफ मिनिस्टर ख़त्म हो गए, लेकिन करगिल का नुमाइंदा अभी भी झंडा लगा के फिर ये उस शख्सियत की उस शख्स की देन है जो करगिल को चाहता था, दिल से चाहता था। इसी से आपको एक सबूत जो है आपके सामने अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। कैबिनेट मिनिस्टर की बात करो, सबसे पहला इन्होंने ही हमको नवाजा था, करगिलों को नवाजा था उन्होंने। यहाँ हमारा क्या बोलते हैं ये छुट्टू खाडल प्रोजेक्ट है, उसी दौर में शुरू हो, उनके दौर में शुरू हो गया, उनके दौर में ये काम किया। नेशनल हाईवे का काम उसी के दौर का है, पावर ग्रिड का काम भी उसी दौर का था, बीच में ले वालों की पॉलिसी की वजह से बीच में खटाई में जाग गया, उसको खटाई में चला गया, फिर इनका दौर आया, फिर शुरू हो गया, फिर पावर का ग्रिड अभी इस वक्त अभी कल परसों शायद इसका टेस्टिंग चल रहा है इस वक्त अभी भी जो है, उसके बावजूद जो अभी हमारा 2-3 प्रोजेक्ट अभी कल परसों सेंशन होने वाला है, जो हमारा शिलीचे का हनुमान प्रोजेक्ट है, द्रास का पहला फेस, और यहाँ हमारे जास्कर में एक प्रोजेक्ट, टोटल कम अज कम 5 प्रोजेक्ट लेके है, 5 प्रोजेक्ट करगिल के है, उनमें से 3 की 4 जो है अभी रिसेंटली अभी सेंशन होने वाला है, ये भी है उसी दौर की हमारे का जो प्रोजेक्ट हम दे रहे हैं। जोजला टेंडर की बात करो, जोजला टेंडर हो चुका, काम शुरू हो चुका, खैर ठेकेदार का अगर ब्लैक लिस्ट हो गया, ठेकेदार को अगर भाग गया, ठेकेदार ने काम नहीं किया, वो अलग बात है, भाई काम तो शुरू किया उन्होंने और अभी भी मतलब उस पर काम चल रहा है, अभी भी कुछ दिन के लिए 1 साल को हो या 5 महीना हो या 2 महीना हो, काम तो शुरू होना ही होना है, फ्रंट तो सेंक्शन करके लाया हुआ है। अभी लोग कमेंट करते हैं भाई रोजा टनल कहाँ गया, कहीं नहीं गया, टेक्निकल फॉल्ट है, पैसा दिया हुआ है, गवर्नमेंट का काम है सेंशन करना, टेंडर निकालना, निकाल के दे दिया, चाहे गलत तरीके से हो चाहे सही तरीके से हो, काम तो शुरू कर दिया, हमारे दौर में ही काम शुरू कर दिया। हमारे ईचू का जो रोड है, पैसा दिया है गवर्नमेंट ने, यहाँ सेंशन करके दिया हुआ है, हमारे कुछ लोगों की गलती की वजह से उसका सारा पैसा डूब गया, अभी नया प्रोजेक्ट बना के हमको दे रहा है, इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकता, जरा मुझे बताओ। इरीगेशन में जो हम आने से पहले जो लाखों रुपये का वहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा था, तमाम पैसा जो है वो सिप्लाई में देखे, सारा अभी तो सारा लेबोरेटरी में पड़ा हुआ है, उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकता है, जब ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला जो है ठेकेदार हो चाहे बाबू हो, जो कोई अगर कोई गलत काम करे उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकता है। हमारा टेंडर जो है हमारे दौर में सेंक्शन हो चुका है, टेंडर हमने कर दिया है, काम करके दिखा दिया है, ठेकेदार अगर कहीं गए तो उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता, ना कोई उसमें कोई किसी का गलती है। इसी तरह से हमारा एयरपोर्ट का मसला जो है, हमारा उड़ान का मसला है, उड़ान सेंक्शन का किला है, वो भाई कुछ तो सेंक्शन किया ना हमने, 40-70 साल हुकूमत किया, क्या किया मुझे बताओ, क्या किया जरा मुझे बताओ ना, क्या किया, कुछ दिखाने के लिए एक जहाज लाए यहाँ पर, लोगों को उल्लू बना के चले गए, उसके बाद कभी था यहाँ पर, हालांकि सिविल एविएशन मिनिस्टर ही कांग्रेस का था, J&K का था, आजाद था उस वक्त, क्योंकि हमदर्दी नहीं था करगिल वालों से, जब टूरिज्म आया आजाद साहब को टूरिज्म मिला, ले को कहाँ से कहाँ पहुँचाए, करगिल को कहाँ पहुँचाए, जोरा साहब टूरिज्म मिनिस्टर में रहा,
लेकिन कहां पहुंचा है? करगिल में एक रुपया दिया? कभी जोरा साहब कांग्रेस का मिनिस्टर था, कभी करगिल की तरफ देखा? नहीं देखा। मैं हकीकत बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर इसमें अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ठीक है भाई, लेकिन मैं कहना चाहती इसे चाहता हूँ, आजकल जो है यूनिवर्सिटी के बारे में जो है कुछ लोग जो है कांग्रेस को एनसी के कुछ जो है वहाँ व्हाट्सएप में बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉमेंट्स लिखते हैं वहाँ पर। और भाई लिखना सबको आता है। हम लोग यहाँ के जो करगिल का जो हमारे माहौल का जो है, हम अपना कुछ स्टेटस रखते हैं, किसी का इज्जत रखते हैं। हम इस तरह की बकवास लिखना हमको भी आता है, हमारे लोग भी लिख सकते हैं वहाँ पर। हमने पाबंदी लेके रखे यहाँ पर, हमारे वर्कर्स के ऊपर पाबंदी लेके रखे। हमने कहा ऐसा गलत तू एक बात मत लिखो किसी के साथ के ऊपर। अगर लिखना है तो सबसे पहले अपने गिराबा में जाके देखो, पहले देखो ना अपने गिराबान पे। 50 किलो का टट्टी अपने छाती पे लगा के फिर दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, ये कौन सा तरीका? ये कौन सा तरीका जरा मुझे बताना? इस्लाम में ये जायज है? अजीब अजीब करके, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से कांग्रेस के लीडरों को भी वही कुछ गलत बात बोल रहा है, एनसीपी के कुछ लीडरों को भी बात बोल रहा है, सब कुछ गलत है। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे करगिल के लोगों के हाथ में जो निशान, लोगों के हाथ में टेलीफोन जो आया है, वो टेलीफोन जो है कुछ लोगों की वजह से हमारा पूरा कौम बदनाम हो रहा है, हमारा पूरा माशरा खराब हो रहा है। जिसको लिखना है सोच समझ के लिखो भाई, जिसको बोलना है सोच समझ के बोलो। ये जो आवाज़ तुम दे रहा है किसी के खिलाफ या कौम के खिलाफ, हमारे कौम के खिलाफ बोल रहा है, ये सिर्फ करगिल की चार दीवारी महदूद नहीं रहता है, ये पूरा दुनिया देखता है। हम लोगों को शर्म आना चाहिए। देखो मैंने अभी रिसेंटली सुना करबला के बारे में बहुत कुछ लिखा है वहाँ पर, मैं ये इसका मतलब नहीं कोई मेरे को हमदर्दी दिखाओ, लेकिन ये मैं अखलाकन बोल रहा हूँ, मेरे बारे में भी बोल रहा है, कमर साहब के बारे में बोल रहा है, सीसी के बारे में बोल रहा है, मैं जनरल बात बोल रहा हूँ। ये चीजें नहीं होना चाहिए हमारे करके, ये गलत है। सियासत करो भाई, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर खुला सियासत करो। ये जमहूरियत यहाँ किसी के बाप का जागीर नहीं है, कोई बाप का जागीर नहीं भाई। ये गवर्नमेंट पैसा देता है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए काम देता है, यहाँ पर सियासत करने के लिए हमको जमहूरियत, यही तो जमहूरियत है। सियासत करना, लीडर निकला, वोटिंग करना, कैंडिडेट खड़ा करना, मैंडेट खड़ा करना, ये तो हमारा जमहूरियत है, हमारा हालांकि हमारा हक है, हर किसी का फर्ज है। लेकिन उसमें कोई तरीका होना चाहिए भाई, ये नहीं कि अपने कौम को खत्म करके अपने कौम पर कीचड़ उछाल के आप लीडरी करें। कौन सा मतलब ये बात, हर कोई बात करते इस तरह से, ये बात अलग है। दूसरी बात, हमने यूनिवर्सिटी के लिए बात की, हमने कोई गुनाह नहीं किया भाई, गुनाह नहीं किया। मेरे पास कुछ लड़के आ गए मेरे पास, मैंने तो पहल नहीं किया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई प्लान था ही नहीं, ना किसी का डिमांड था, शायद कौंसल वालों के पास भी कोई ऐसा कोई प्लान रोड मैप नहीं था उनके पास। जब बच्चे रोड पे आ गए तो सब लोग मजबूर हो गए बात करने। अब वही बच्चे जो है मेरे पास आया, जम्मू में जुलूस निकाला, बच्चों ने मुझे कुछ नहीं बोला, कौंसल वाले ने जम्मू में डेलीगेशन लेके गया, मुझे कुछ नहीं बोला, मुझे पता नहीं था, हालांकि थोड़ा मैं वहाँ बैठा तो उनका अखलाकन फर्ज था कि मुझे भी थोड़ा बोलने के लिए, पूछने के लिए। तो ये नहीं पूछा, चलो ठीक कोई बात नहीं, हमको कोई ऐसा नहीं था, तो हम भी थोड़ा पीछे रह गए। हमने कहा जब ये कोई कर रहा है बजाता, वहाँ से प्रेस रिलीज आ रहा है, तो हमने भी किसी के बीच में मुदाखलत करना मुनासिब नहीं समझा। चलो खैर, उसके बाद जो कुछ हो गया हो गया। उसके बाद फिर बच्चों का डिलीशन मेरे पास आ गया, मैंने बोला हमको गवर्नर का ये दे दो, टाइम दे दो हमको गवर्नर के पास जाने, हमें ये प्रॉब्लम हो गया। बच्चों के कहने के ऊपर मैंने वहाँ ले लिया, तो गवर्नर ने क्या बोला, चीफ सेक्रेटरी ने क्या बोला, बच्चों ने खुद वहाँ से प्रेस रिलीज दिया। मैं तो नहीं गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं तो सिर्फ कुछ यहाँ पे हमारे लोकल जो हमारे मीडिया वाले हैं वो कुछ सवाल पूछ रहे, तो मैंने सिर्फ उसका जवाब दे दिया। बाकी प्रेस रिलीज दिया हो, वहाँ पर क्या बात हो गया है, वहाँ पर क्या सिस्टम चल गया है, वो सब स्टूडेंट यूनियन के बच्चों ने खुद अपने तरफ से दे दिया, जो भी हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि भाई अच्छा काम करेगा कोई तो वो भी बर्दाश्त नहीं किसी को, कोई अगर काम करके लाएगा वो भी बर्दाश्त नहीं भाई। तुम्हारे थे तो उसके चीज वो सलाहत रखो, अगर आपको लीडर बनना है तो वो सब चीज उठाने के बर्दाश्त रखो, वो सलाहत रखो, तब आपको काम बने। आज अगर हमारे फेरो साहब सीसी है, अच्छा काम करे क्यों नहीं साथ देगा? हम सब बोलेंगे भाई हमने किए, क्यों नहीं बोले भाई, हमें क्या आता है भाई, ये तो हमारे हक है। वो फेरो साहब ने कोई घर से तो नहीं करना है,
गवर्नमेंट ने करना है, हिंदुस्तान का पैसे से करना है, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट वर्क से वहाँ से काट के देना है, उसमें ये अगर सिफारिश करके अगर कुछ ज़्यादा लाना चाहते हो तो हम शाबाशी देगा, हम बिल्कुल सलाम करेंगे, हम उसको, हमें वो चीज़ नहीं है जो आप लोग सोचते हैं, यहाँ कुछ लोग सोचते हैं। हम लोग अभी भी वही पुराना ख्याल में बैठे हैं जो 40-70 साल से जो है एनसी और कांग्रेस के बीच में लोगों के दिमाग में वही डाल डाल के लोगों को एक दूसरे से बीवी बच्चों से अलग करके, माँ बहनों से अलग करके, बाप बेटों से अलग करके रखे, वही सियासत चल रहा है। वो आजकल दौर नहीं चलेगा, वो सब आजकल वो दौर नहीं चलेगा। अभी बहुत सारे हाथों में हर कोई बंदा जो है अभी मीडिया वाला बंदा हुआ, हर कोई बंदा जो है वो हमारी नुमाइंदा बना हुआ, हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर कोई आदमी के हमें रिपोर्टर बने के फिर रहे लोग। अभी वो दौर चला गया, आज कोई अगर किसी गली में मुर्गी भी मारेगा तो दूसरे वो भी पूरा सबको पता दुनिया कहेगी कि क्या पूरा दुनिया को पता चला, वो दौर खत्म हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं कौन साल से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं फेरोज साहब से भी मैंने बात अपना मशवरा दे चुका हूँ, अगर आपका डेवलपमेंट के लिए बात हो हमारे करगिल के, जो हमारा रीजनल मसला जो रीजनल मसला है वो आपको ले और करगिल के कौंसल दोनों से मैंने रिक्वेस्ट किया था, चलना नहीं चलना इनके हाथ में है, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। मैंने कहा दोनों मिल के एक स्ट्रेटजी बना, एक रोड मैप बना, ताकि हम लोग कैसे मतलब गवर्नमेंट के साथ हम काम करते हैं और कश्मीर गवर्नमेंट के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हम कैसे फेस करें, किस तरह से फेस करें और इसको किस तरह से हम लाएं। ये तो हमारा रीजन का मसला है, इसमें अलग थलग होकर काम करने की जरूरत है। अभी कौंसल वालों ने माशाल्लाह चलो ठीक है कमेटी बनाए, हम भी वेलकम करते हैं, हमारा प्रेसिडेंट साहब जाके उनको बता दिया था कि भाई हम जो है साथ है सबके साथ है। जो काम अभी इस वक्त हमारे यूनिवर्सिटी का मसला है, मेडिकल कॉलेज का मसला है, डिविजनल का मसला है, हमने ऑलरेडी हमारा प्रेसिडेंट जाके कमेटी को हमारा सपोर्ट दे किया है। तो इस वक्त जो है अभी कौंसल ने कमेटी बना के दिया है, हम उस कमेटी का रिस्पेक्ट करते हैं, उस कमेटी को साथ देते हैं, उस कमेटी के थ्रू जो है अभी हमारा जो मसले है, चाहे कॉलेज का मसला हो, चाहे यूनिवर्सिटी का मसला हो, चाहे प्रोजेक्ट का मसला हो, चाहे जो हमारे कमेटी के अंदर आता है, जो कमेटी को इन्होंने सौंपा गया है, क्या बोलता है ये डिविजनल के मसला है, वो सब एक रोड मैप बन के एक स्ट्रेटजी के हिसाब से चलना चाहिए। और दूसरी बात ये देखो, मेरे रोड मैप सब मिल की बात ये है, देखो ये हमारा पूरा रीजन का मसला है, इसमें मुझे पूछेगा तो मुझे ही पता होना चाहिए कि भाई हमारा स्ट्रेटजी क्या है, हमारा मकसद क्या है। अभी हमारा सीसी साहब कुछ और काम करेगा, वहाँ कांग्रेस के लीडर करवलाई साहब हो या कोई दूसरा हो, जो भी हो भी अपने तरफ से कोई काम करेगा या मैं अपनी तरफ से कोई काम करेगा, कल को कोई पूछने आएगा मैं अलग से एक स्टेटमेंट देगा, सीसी साहब अलग स्टेटमेंट देगा, एग्जीक्यूटिव कुछ अलग स्टेटमेंट देगा, एमएलए कुछ अलग स्टेटमेंट देगा। तो वो हमारा जो यूनिटी है, जो जो कथा हमने कमेटी बनाया है, उस कमेटी को बाहर के लोगों की नज़र में जो है ये लोग अंदर से एक नहीं बोल के एक मैसेज है। लिहाजा अभी हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम साथ देने के लिए तैयार है, जब भी जरूरत है हम साथ है। तो कमेटी को आगे आना चाहिए और डिवीजन के मसले पर जो है ये सबको मिल के काम करना चाहिए। कल डिवीजन मिला तो मैं बोलेगा जी मैंने लाया, कौंसल बोलेगा मैं लाएगा, वो चीज़ नहीं चलेगी, वो चीज़ चलने वाला चीज़ नहीं है। वो अभी इस वक्त हमको मिल के काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जनरल इशू है। तो इसमें जो है डेवलपमेंट का काम करना है, इसमें सिर्फ ये मुलाजिम चंद मुलाजिम के ऊपर उनका ट्रांसफ़र के लिए, चंद मुलाजिम के ऊपर अपना गुस्सा निकालने के लिए, चंद लोगों के ठेकेदार के ऊपर गुस्सा निकालने के लिए, ये चीज़ के लिए नहीं है कौंसल। कौंसल इस चीज़ के लिए नहीं बना है, कौंसल बना है हमारे डेवलपमेंट के लिए बना हुआ है। यहाँ अभी इस वक्त जहाज के एलो को ही इतना प्रॉब्लम खड़ा हो गया, उसके सियासत करने के लिए कौंसल नहीं बने। ये जहाज आया तो लोगों सबके हक है, उसमें एक आदमी के ऊपर पूरा डिपेंड करके उसी के ऊपर महदूद करके रखा हुआ है, उसका मर्जी किसको गला काट के उधर फेंक दो, किसी को गला काट के उधर फेंक दो, ये चार चलने वाली चीज नहीं। अभी जो भी काम करना है जनरल करना है, ठीक है कौंसल को प्रायोरिटी होना चाहिए, हम नहीं बोलते उसके खिलाफ है, कोई लिमिट से प्रायोरिटी होना चाहिए। पूरा जहाज का जहाज कौंसल के प्रायोरिटी पे चल रहेगा, वो कैसे बनता है भाई? फिर गरीब आवाम कहाँ जाएगा, गरीब लोगों को कहाँ जाना, जिसका असर है उसको तो प्रायोरिटी मिला, जिसका असर उसको नहीं वो बेचारा कहाँ जाएगा, जाते उसके लिए दूसरा बंदोबस्त कर लो। लिहाजा इन चीज़ों पर देखने की जरूरत है, इसी हिसाब से मैंने रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों पर आप देख लीजिए, क्योंकि हमने कोई ऐसा बात नहीं बोला है जो कि आपको गलत लगे।
ये चीज़ जेन्युइन है, पब्लिक का डिमांड है, तो इस चीज़ के लिए आपको देखना पड़ेगा। और दूसरी बात है, हमारा रीजनल मसला है, उसके लिए आपको अभी से वक्त है, आप लोग स्ट्रेटजी बना लो। हमारा नुमाइंदा है, हमारे PDP का जो रुकन जो है यहाँ बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंट साहब हमारे बैठे हुए हैं, जो वहाँ पर जाके जो फैसला लेंगे वो हमको मंजूर है, हमारा आने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो हम भी आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से PDP का हमारे प्रेसिडेंट साहब को आपको भेजा है वहाँ पर, तो आपके साथ हम लोग इस चीज़ के लिए डिवीजन का मसला हो, चाहे मेडिकल का मसला हो, चाहे मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी का मसला हो, चाहे जो रोड का मसला हो, जो भी जनरल इशू है आप बुलाएगा डेवलपमेंट के लिए, अपने तरक्की के लिए हम लोग आपको साथ देने के लिए तैयार हैं। क्लियर करते हैं।